हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको जानकारी दूंगा अकरकरा के बारे में। अकरकरा एक आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर जब अंग्रेजों का राज्य था तो उन्होंने आयुर्वेद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, उनको उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ जब अंग्रेज आए थे तो हमारे देश के अंदर एलोपैथी दवा लेके आए थे, उन दवाओं का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे देश में आयुर्वेद कुछ नहीं है, आयुर्वेद एक खराब पद्धति है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जिसे हम अकरकरा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में एक जानकारी देने वाला हूँ। अकरकरा की अगर आप जड़, इसके पत्ते, इसकी पत्तियाँ, कलियाँ, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसके एक बेहतरीन ही फायदे मिलते हैं। अकरकरा को जिसे हम टूथ एक के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोकल भाषा में निनवा का फूल भी बोलते हैं, लोकल जो लोग रहते हैं इसे निनवा के नाम से जानते हैं, अक्सर इसका इस्तेमाल दांतों से संबंधित समस्याओं को करने के लिए किया जाता है। अकरकरा के अंदर इसकी जो पहचान होती है बहुत ही सिंपल है। आपको यह किसी भी नाले के पास में, जो रोड होते हैं उनके पास में इजीली मिल जाएगा। अकरकरा की आप फोटो भी देख सकते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर दिखाए जा रहे होंगे। आप इन फोटो को देखकर अकरकरा को पहचान सकते हैं। अदरवाइज आपको इजीली किसी भी पंसारी की दुकान पर अकरकरा की जड़, फूल, पत्ते सब कुछ मिल जाएंगे। एक एक करके जानते हैं इसके फायदों के बारे में। अगर दोस्तों आपको छाले की समस्या है, बार बार छाला होता रहता है, तो आप अकरकरा के फूल लें, इनको आपको अच्छी प्रकार से पीस लेना है, थोड़ा सा इसमें शहद मिलाएं और जहाँ जहाँ आपको छाले हुए पड़े हैं वहाँ पर आप इजीली इसे लगा लें। ऐसा करने से आपके छाले कुछ ही दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अकरकरा के अंदर बहुत ही अच्छे रासायनिक चीज़ें पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल अगर पुरुषों पर किया जाता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ये पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करने में मदद करता है, सेपम काउंट को बेहतर करने में भी मदद करता है। तो आप अकरकरा की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करने के लिए। थोड़ी सी मात्रा में आपको अकरकरा की जड़ लेनी है, थोड़ी सी मात्रा में शहद, दोनों को मिक्स करें, रोजाना इसे खाना इस्तेमाल करें। यह आपको टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करेगा और काफी ज्यादा फायदा भी देगा। दोस्तों आप अकरकरा की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दांतों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए। अगर आपको दांतों में दर्द होता है, मसूड़े हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो भी आप अकरकरा का इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। आपको अकरकरा की थोड़ी सी जड़ लेनी है, इसमें आप कपूर या सेंधा नमक मिलाएं। ऐसा करने से आपको इसका एक मंजन सा बना लेना है। इसे आप रोजाना अपने दांतों पर अच्छी प्रकार से मालिश करें, जैसे आपको दांतों को रगड़ना है कुछ इस प्रकार से आपको करना है जैसे मंजन करते हैं। यह आपके दांतों की बहुत सारी शिकायत जैसे कि दांतों में दर्द होना, पायरिया लग जाना, दांतों में सड़न हो जाना, मसूड़ों में सजन होना, मसूड़ों का फूल जाना, इन सभी शिकायतों को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अपच की शिकायत रहती है, खाना नहीं खाते हो, अपच की वजह से आपका मुंह हमेशा खराब रहता है, मुंह तीता हो जाता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, तो आप अकरकरा की जड़ ले लें। इसमें थोड़ा सा पिपली और सेंधा नमक मिलाएं। इसे आपको रोजाना के तौर पे चबा चबा के खाना है। खाना खाने के बाद इससे आपकी अपच, जो बदहजमी है, कब्ज की शिकायत है, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको बार बार खांसी होती रहती है, खराश की शिकायत है, तो आप अकरकरा की जड़ को उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। यह आपकी खराश, खांसी की शिकायत को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको बार बार हिचकी की शिकायत होती है, बार बार हिचकी आती रहती है, तो आप अकरकरा की जड़ में थोड़ा सा शहद मिला लें, इसको खाना स्टार्ट करें। यह आपकी हिचकी की शिकायत को दूर करता है, प्लस में आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करने में भी मदद करता है। अकरकरा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिन छोटे बच्चों को खांसी की शिकायत होती है, सूखी खांसी होती रहती है, कुत्ता खांसी जिसे बोलते हैं वो होती रहती है, तो उनको क्या करना है, थोड़ी सी अकरकरा की जड़ लेनी है, इसे कि आपको अच्छी प्रकार से कूट कर पीस लेना है। थोड़ा सा आप इसके अंदर सौंठ मिला सकते हैं, या फिर सौंठ नहीं है तो आप अदरक का रस मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत काली मिर्च मिला सकते हैं। यह जुकाम की शिकायत को, खांसी की शिकायत को दूर करने में मदद करता है। आप इन चीज़ों को जरूर करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा।
अब मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है, गठिया की शिकायत है, बाएं हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता रहता है, उनके लिए अकरकरा कैसे मदद करेगा? तो आपको क्या करना है, अकरकरा की जड़ लेनी है, इसको आपको अच्छी प्रकार से पीस लेना है, पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आपको अपने जोड़ों के दर्द पर लगाना है, ये आपकी जितनी भी जोड़ों की शिकायत है उसको ठीक करने में मदद करता है। अकरकरा का आप एक फायदा और उठा सकते हैं, वो है दाद खाज खुजली की शिकायत को दूर करने के लिए। आप अकरकरा के पत्तों को या फूल को इस्तेमाल करें, जहां भी आपको दाद खाज खुजली की शिकायत है धीरे धीरे आपको वहां पर लगाना है। हो सके तो आप पलस में इसमें नीम की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर लें, जिससे कि आपकी खाज खुजली जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप अकरकरा का इस्तेमाल उन पर भी कर सकते हैं जिनको, जो छोटे बच्चे होते हैं, तुतलाते हैं, अकलाते हैं, उन लोगों के लिए अकरकरा काफी ज्यादा फायदेमंद है। अकरकरा की आपको जड़ लेनी है, इसे आपको कूट कर पीस लेना है, थोड़ा सा इसमें आपको काली मिर्च होता है उसको मिलाना है, और जो बहेड़ा होता है उसके छिलके को मिलाना है। तो काली मिर्च का छिलका, बहेड़ा, अकरकरा की जड़, इन तीनों को मिक्स कर लें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में शहद के साथ बच्चों को चटाते रहें। इनसे जो बच्चों की हकलापन होगा, तुतलाना होगा, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को करके अकरकरा का फायदा उठा सकते हैं। आप अकरकरा को आप इजीली पंसारी की दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आयुर्वेद के बारे में लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी आयुर्वेद के बारे में एक जानकारी मिले और वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद।